पुरानी इंजेक्शन की सिरिंज से आप एक बहुत सुंदर पंखा बना सकते हैं। इसके लिए एक पुरानी सिरिंज, चुंबक, एक बोतल और एक साइकिल की तीली और नट चाहिए होगा। सबसे पहले बोतल को करीब 15 सेंटीमीटर पे काटें और उसमें 12 पंखुड़ियाँ काटें। फिर उसको टेप से चिपकाएं, उसको थोड़ा सा चपटा करके फैलाएं, फिर हर पंखुड़ी को लेकर के उसको थोड़ा सा मोड़ें जिससे उसमें कर्वेचर आ जाए, वो एक पंखा जैसे बन जाए। फिर एक ढक्कन के अंदर साइकिल की तीली के नट को धंसा दें और उसके अंदर तीली को स्क्रू कर दें। तीली का सिरा एक पॉइंट बनाएं। उसके बाद में एक पुराना इंजेक्शन का सिरिंज लें और उसका जो जो रबर का काला पिस्टन होता है उसको बाहर निकालें और इस पिस्टन को एक चुंबक के ऊपर रबर ग्लू के साथ में, फेवी बॉन्ड के साथ में चिपका दें। अभी देखिए इसके अंदर एक गड्ढा है इस पिस्टन के अंदर, और इस गड्ढे वाले हिस्से को आप पिस्टन के अंदर डालें सिरे में और पीछे की ओर केवल चुंबक होगा। फिर अगर आप बोतल के पंखे और साइकिल की तीली जिसका सिरा एक बिल्कुल पॉइंट है उसको पिस्टन में रखेंगे और इस सबको एक सीलिंग फैन के नीचे रखेंगे तो ये पंखा तेज़ी से गोल गोल फरफराता हुआ घूमने लगेगा। अगर आप चाहें, क्योंकि इसके पीछे चुंबक लगा है, इसको किसी स्टील के दरवाजे के साथ भी चिपका सकते हैं।